वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक। इस लुक को आप एज अ वेडिंग गेस्ट भी कैरी कर सकते हो, या तो फिर आप ब्राइड टू बी हैं, आपकी शादी होने वाली है तो आप इस लुक को अपने हल्दी में भी कैरी कर सकते हो। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया गुड वाइव्स का टोनर, नीम एंड तुलसी वाला। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, निव्या का लाइट मॉइस्चराइज़र। एंड उसके बाद मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लिया था लिप बाम की हेल्प से। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अपना मन पसंदीदा प्राइमर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। उसके बाद मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का येलो ऑरेंजिश टोन में कंसीलर था, मैं इसको एज अ कलर करेक्टर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जो भी मेरे फेस के डार्कर एरियाज़ हैं वहाँ पे, लाइक अंडर आईज एंड माउथ के अराउंड का जो एरिया होता है हमारा वहाँ पे। एंड उसको मैंने अच्छे से स्पॉन्ज की हेल्प से थोड़ा डैप डैप कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। ये एक लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, तो मैंने इसको डॉटेड फॉर्म में अप्लाई कर लिया था अपने फेस पे। एंड उसके बाद मैं सेम स्पॉन्ज की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से अपने फेस पे। एंड यहाँ पे मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ एले गॉल का HD कंसीलर। सो मैं इसको अपने अंडर आईज पे अप्लाई कर लिया है एंड अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, एंड जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत लग रही थी कंसीलिंग की, सो मैंने इसको वहाँ पे अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रोज़ फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट। इसमें आपको तीन चीज़ें मिल जाती है, एक डार्क ब्राउन शेड, एक लाइट ब्राउन शेड एंड आईब्रोज़ के लिए वैक्स आपको इसमें मिल जाती है। तो इसकी हेल्प से मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया। उसके बाद मैं सेम कंसीलर एले गर्ल का कंसीलर मैंने यहाँ पे लेके अपने आईब्रो की एजेस को क्लियर किया था। एंड एज आई शेडो बेस भी मैंने सेम कंसीलर को यहाँ पे यूज़ किया है। एंड उसको पाउडर के साथ सेट करके यहाँ पे मैं ये ब्यूटी ग्लेज्ड का 40 कलर आई शेडो पैलेट है, एंड यहाँ से मैंने एक ये लाइट ब्राउन और ऑरेंजिश ब्राउन शेड लेके इसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये थोड़ा डार्क ब्राउन कलर लेके यहाँ पे अपने क्रीज पे इसको अप्लाई किया है अच्छे से, इस तरह के फ्लैट फ्लफी ब्रश की हेल्प से। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी क्रीज कट कर रही हूँ सेम कंसीलर लेके एले गर्ल का, यहाँ पे एक फ्लैट शेडर ब्रश है छोटा, उसकी हेल्प से मैंने अपनी क्रीज को यहाँ पे कट कर लिया है। इस तरह से आपको अपनी क्रीज को कट करना होता है। इसके बाद मैं कंसीलर को सेट कर दूँगी थोड़ा थोड़ा पाउडर लेके। उसके बाद मैं यहाँ पे ये सेम ब्यूटी ग्लेज्ड का आई शेडो पैलेट है, उसमें से मैंने येलो शेड पिक किया है, उसको मैंने पूरे अपने जो मैंने कट क्रीज ड्रॉ किया था उसके ऊपर अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं जो मेरा आउट ऑफ वी है उस पर मैं सेम डार्क ब्राउन कलर जो मैंने अपनी क्रीज पे यूज़ किया था उसको मैंने अपने आउट ऑफ वी पे प्लेस करके ब्लेंड कर दिया है इस तरह से, ताकि जो कंसीलर एंड मेरा आउट ऑफ वी पे जो शेड मैंने यूज़ किया उसके बीच में कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। उसके बाद मैंने यहाँ पे आई शेडो प्राइमर अप्लाई किया है एंड उसके ऊपर मैं लूज़ पिगमेंट्स जो होते हैं वो मैंने अप्लाई किए हैं ताकि थोड़ा शिमरी सा इफ़ेक्ट आए। एंड नेक्स्ट मैं आईलाइनर के लिए यहाँ पे यूज़ करी हूँ NY Bay का आईलाइनर। एंड मैंने एक पतला आईलाइनर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, सिंपल आईलाइनर, कोई विंग मैंने ड्रॉ नहीं किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लोअर लैशेस पे अपना जो ट्रांजिशन शेड था ब्राउन कलर वो लेके अपने मैंने लोअर लैशेस पे स्मज कर दिया है इस तरह से। एंड काजल के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया शुगर का काजल एंड उसको भी मैंने ब्राउन कलर के साथ स्मज कर दिया था। नेक्स्ट मैंने मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज़ किया है मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा का, ये मिनी पैक है जो कि मुझे फ्री मिला था किसी चीज़ के साथ। एंड ये हाइलाइटर है वेट एंड वाइल्ड का, इसको मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने यूज़ किया। नेक्स्ट मैं ब्राउनजिंग कर रही हूँ यहाँ पे शुगर का, ये 3-in-1 फेस पैलेट है, इसमें हाईलाइटर आपको मिल जाता है, ब्राउन्ज़र आपको मिल जाता है एंड ब्लशर आपको मिल जाता है। तो मैंने
अपने फेस के लिए ब्लश भी यहीं से इस्तेमाल किया है एंड हाइलाइटर भी सेम पैलेट में से मैंने यूज़ किया है यहाँ पे एंड अपने फेस के हाइलाइटेड जो पॉइंट होते हैं उन पर मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया। फॉरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, अपने क्यूपिड बो पे और अपनी चिन पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया एंड लिपस्टिक के लिए मैं इस तरह की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो और ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।